हम चिन्हबे नहीं करते हैं के हकीम यादव दिनेश यादव को चिन्ह सांसद को नहीं चिन्हते कुछ किसी को नहीं चिन्हबे वो कहते हैं लालू यादव वाला डरते नहीं हम पूरा खुल के बोलते हम डर रहे का हम लोग बोल रहे कि नहीं बताएंगे बता दिए ना कैंडिडेट थोड़ा कमजोर पड़ गया है राजद वाला टिकट देने में भूल कर दिएगा बिल्कुल भूल कर फोन करने बाद तुरंत पहुंच जाएंगे पप्पू यादव के फैन अभी भी मधेपुरा में है एकदम आपको 100 में 100 आपको 80% मिलेंगे उसका फैन तो मधेपुरा वाला यादव के तरफ जाएंगे पप्पू यादव तो महान है उनके महान लीडर ही नहीं पैदा हुआ लेकिन जब पप्पू यादव मधेपुरा से लड़े थे तो उनसे तो आप लोग ने यहाँ की जनता की भाग खराब चुनावी यात्रा के दौरान सीमांचल के बाद अब कोसी में है और देखिए कोसी के मधेपुरा लोकसभा में देखिए मधेपुरा के मुख्य बाजार में है और ऐसा कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का यानी कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा जो जिसकी संख्या है वो यादवों की है और यादव लैंड कहा जाता है मधेपुरा को। चलिए बात करते हैं और यहाँ पर टक्कर भी दो यादवों में दिनेश चंद्र यादव जो जदयू से हैं और कुमार चंद्रदीप जो आरजेडी से हैं किसके तरफ जाएंगे मधेपुरा के यादव और मधेपुरा के लोग बात करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है चाचा जी आपका? दिनेश यादव जी मिल गए आते ही। एक बात बताइए जो दिनेश चंद्र यादव है आप भी दिनेश जी वो भी दिनेश चंद्र यादव जी है काम उम हुआ है कुछ मधेपुरा में? क्या काम उसको तो कोई नजर नहीं उड़ता है। हाँ 5 साल में क्या बार कोई नहीं देखा उसको अच्छा से नहीं आते हैं नहीं करता कोई नहीं देखा होगा सर याग उसको हाँ। चुनो आया तो अब फिर नजर आने लगा। दिनेश चंद्र यादव नहीं आते मधेपुरा? जी नहीं सर 5 साल में एक बार यहाँ से जीत गए अभी नहीं। दिनेश चंद्र यादव कभी नहीं आए हैं? दिनेश चंद्र यादव नहीं आते हैं? नहीं देखने को यादव था सर नहीं नेता था ना न भी सांसद थे तो अभी भी फोन करने के बाद तुरंत पहुँच जाएंगे। पप्पू यादव के फैन अभी भी मधेपुरा में है एकदम आपको 100 में 100 आपको 80% मिलेंगे उसका फैन। का मतलब सोच रहे कि दिनेश चंद्र यादव पिछला बार बाजी मार गए थे खबरी मारेंगे? नहीं मधेपुरा से आप बताइए क्या देखिए सबसे पहली बात है कि उसका कंपटीशन में कैंडिडेट थोड़ा कमजोर पड़ गया है राजद वाला टिकट देने में भूल कर दिएगा बिल्कुल भूल कर दिया। अगर थोड़ा वो दमंग ढंग का रहता ना तो उसको समझ में आ जाता कि मधेपुरा क्या चीज है। अच्छा। हाँ मधेपुरा कोनो मामूली धरती नहीं है ये बीपी मंडल की धरती है और ये बड़ा बड़ा नेता यहाँ से आए हैं और चले गए हैं किसी का यहाँ जो है ना नहीं चला है। टक्कर तो दो को यादव जी के है दोनों तरफ से तो मधेपुरा वाला यादव केकरा तरफ जाएंगे? आरजेडी तरफ जाएगा। आरजेडी बिल्कुल बिल्कुल लालू यादव बोलते हैं कि मधेपुरा हमर है मतलब है ये है ये है कोनो एकदम है लालू यादव की तरफ दिनेश चंद्र यादव की तरफ नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम कुमार। क्या नाम है? शंभू यादव। यादव जी मिल रहे हैं यहाँ पर खाली केकरा तरफ जा रहे हैं मधेपुरा के यादव जी सब? मन है जिसको देना है तो दे देंगे ना। दिनेश चंद्र यादव की तरफ की कुमार चंद्रदीप यादव की तरफ ऐसा अभी थोड़े बोलेंगे किसको देना अभी है, किसको नहीं देना है। बात बताइए तो वो कौन पसंद है जहाँ जब देने पसंद कौन है जब जाएंगे ना देने के लिए वहाँ जो पसंद होगा दे देंगे इसमें क्या है देने के लिए तो दे दीजिएगा लेकिन बताइए कि कुमार देना देना अच्छा जी बताइएगा ना कि दिनेश चंद्र यादव जी जो है काम उम किए हैं कुछ मधेपुरा में? दिनेश चंद्र यादव घूर के कोई बार मधेपुरा नहीं आया नहीं आया देने के लिए नहीं जब बेरुखी साफ झलक रही है बोलिए ना मतलब क्या लग रहा है लालटेन जलाइएगा लालटेन जले या तीर जले लेकिन हम लोग लालटेन का पार्टी है लालटेन का देंगे लालटेन का कहते हैं लालू यादव वाला डरते नहीं हम पूरा खुल के बोलते हम डर रहे का हम लोग बोल रहे कि नहीं बताएंगे बता दिए ना अभी हम लोग लामटे पार्टी हैं। क्या नाम है चाचा जी? संजय कुमार। क्या दिनेश चंद्र यादव जी जो है जो निवर्तमान सांसद हैं काम उम किए हैं कुछ? नहीं किए काम नहीं किए नहीं किए हाँ काम उम नहीं हुआ है क्या मधेपुरा में? चाचा जी बताइए दिनेश चंद्र यादव कहते हैं कि विकास पुरुष है कोसी कहने से क्या कि काम से कहने से कि काम से और एक झोंक और आएंगे एक झोंक उसी के हाथ में है जनता के हाथ में मधेपुरा की जनता जनता करेंगे मधेपुरा की जनता की लालटेन जलेगा लालटेन जलेगा पूरा मधेपुरे लालटेन लोकसभा में जलेगा लोकसभा में जलेगा जलेगा लालटेन जलेगा यहाँ नहीं पूरे बिहार में जलेगा। केकरा देख के दे रहे कि कुमार चंद्रदीप बढ़िया आदमी है कि लालू यादव के एकदम ऊपर देख रहे हैं? कुमार चंद्रदीप भी प्रोफेसर हैं विद्वान लोग हैं
पाटलिपुत्रा में प्रोफेसर भी हैं, विद्वान लोग भी हैं, शिक्षित हैं, वो भी एक उनको वोट दे रहे हैं। ऊपर भी ऊपर नीचा क्या देखेंगे, उम्मीदवार शिक्षित हैं। ये और कुछ लोगों से बात करते, क्या नाम है चाचा जी? राजनंदन प्रसाद यादव। यादव जी मिल रहे हैं यहाँ पर, दू गो यादव जी के टक्कर है, एगो दिनेश चंद्र यादव है, एगो कुमार चंद्र दीप है आरजेडी से। जो दिनेश चंद्र यादव है, कुछ काम हम किए हैं मधेपुरा में? देखिए हम तो यहाँ नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं जानते हैं। नहीं, हम बाहर केकरा देखना चाहते हैं केंद्र में, मोदी जी को कि राहुल गांधी को? केंद्र में तो मोदी जी, केंद्र में मोदी जी। यादव जी उधर मोदी जी देखना चाहते हैं? हाँ, मधेपुरा बताइए। नहीं, हम लोग डिफेंस के आदमी थे। अच्छा, डिफेंस के आदमी? हाँ, डिफेंस आर्मी से, मतलब चीफ से। डिफेंस वालों के लिए मोदी जी ने कुछ अच्छा किया? करता ही है। अच्छा, क्या लग रहा मधेपुरा से किसको आना चाहिए, कौन पहला पसंद है? देखिए मधेपुरा से तो पहले भी जैसे था यहाँ पर, जैसे पप्पू यादव, पप्पू यादव तभी नहीं है ना चाचा, यहाँ से तो दिनेश चंद्र यादव है, कुमार चंद्र दीप है। आरजेडी की तरफ जाइएगा कि तीर की तरफ? ना, अभी तो आरजेडी की तरफ। आरजेडी की तरफ, मतलब केंद्र में मोदी जी चाहिए, मधेपुरा में आरजेडी चाहिए। हाँ, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कह रहे थे लोग, आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये मधेपुरा का मुख्य बाजार है और यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यादव जी मिल रहे हैं अधिकांश, और कह रहे हैं कि दिनेश चंद्र यादव की तरफ नहीं जाएंगे। क्या नाम है चाचा जी? बुद्धदेव कुमार। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र यादव जी है और कुमार चंद्र दीप जी है। दिनेश चंद्र यादव जी कुछ काम किए हैं मधेपुरा में? हम चिन्हबे नहीं करते हैं के है, नहीं यादव नहीं, दिनेश यादव को सांसद को नहीं चिन्हते, कुछ किसी को नहीं चिन्हबे। वोट केकरा दिए? अब वोट तो नहीं गिराते हम कभी, काहे वैसे सर, काहे सब माल लेके नेता बनता है। हाँ। माल गांव में वितरण होता है, वोट दीजिएगा तब ना, बिना माल वाला है सर, मैं अपना कोनो काम करके खाते कमा, अभी यो नहीं दीजिएगा। नहीं नहीं, हां अरे देखिए क्या कह क्या रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तमाम जो युवा तुर्क है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताना नहीं चाह रहे, बहुत लोग हैं जो बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? मानव कुमार। मानव जी मधेपुरा से है? मधेपुरा। वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ। क्या लग रहा है, ये जो मधेपुरा की धरती है, दिनेश चंद्र यादव जी कहते हैं विकास पुरुष हैं हम, क्या सही में है या खुद से कहते हैं? देखिए जो है, लेकिन मधेपुरा में जो है ना, लालटेन छाप, लालटेन ही चलेगा कह रहे हैं भैया जी, मधेपुरा में लालटेन जलेगा, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं जलेगा यहाँ लालटेन, यहाँ नहीं चलेगा, कोई न विकास किया यहाँ पर, न लालटेन किया विकास, न ही दिनेश चंद्र यादव किया विकास। बिल्कुल मधेपुरा जो है, आप रास्ता रोड से आए होंगे, बिल्कुल खराब स्थिति है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कब्रिस्तान की तरह यहाँ पर बना दिया गया दुकान सबको, जो दो रोटी यहाँ से कमाते थे, यहाँ पर ये जो है अतिक्रमण के नाम पर बेकार में सबको ढा ढू के दुकान को, यहाँ पर दुकानदार सबको जो है ललायत कर दिया है। तो यह सरकार नीतीश कुमार, बीजेपी, राजद, ये सब किसी काम के नहीं है। चुनना तो पड़ेगा किसी, यहाँ पर तंत्र में किसी को तो चुनना पड़ेगा, यहाँ नेता भीन हो गया मधेपुरा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसीलिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसीलिए हम चंद्रदीप जी को दिए हैं कि वो पढ़े लिखे आदमी। एक बात ठीक है, वो बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे भी है, लेकिन कितने आदमी मधेपुरा में उनको जानते हैं? अच्छा, ये पता कर लीजिए आप, नाम भी अभी सही से जो है आपको नहीं। पप्पू यादव के बारे में बता रहे? पप्पू यादव तो महान है, उनके जैसे महान लीडर ही नहीं पैदा हुआ, लेकिन जब पप्पू यादव मधेपुरा से लड़े थे तो उसे तो आप लोग ने, यहाँ की जनता की भाग खराब है, जनता जो यहाँ उन्हीं का भाग खराब है, जो यहाँ पर जाति वोट पार्टी के नाम पर जो है यहाँ पर मोहर लगाते हैं, तीर चुनते हैं, कमल चुनते हैं, लालटेन चुनते हैं, विकास जो करने वाला है उसको नहीं चुनता है मधेपुरा। मतलब पूर्णिया वाला इस बार सौभाग्यशाली, पूर्णिया वाला बहुत सौभाग्यशाली है, अगर आ जाएंगे तो आज भी पप्पू यादव खड़ा रहता ना, अब की बार जीता ही हुआ रहता। अच्छा, 100% आज भी पप्पू यादव के दीवाने हैं लोग? 100% केकरा तरफ जाइएगा? हाँ? क्या नाम है? हमारा नाम है कुतुस। मुसलमान वोटर के ग्रह तरफ हम लोग लालटेन के हैं, लालटेन में मजबूरी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उसी से दे रहे हैं एकदम। आई एम जो खड़ा हूँ से यहाँ के वर्धमान देव संसद जी से हम लोगों को मुल्क भेटे नहीं, इसलिए हम लोग उनको वोट देने से इनकार। मोदी जी को नहीं देखना? ना, मोदी जी का यहाँ के MP जो है उनको हम लोग देखा नहीं है पास।
लालटेन नहीं चलेगा। अगले इलेक्शन में देखे थे, अभी तक देखे नहीं है, इसलिए लालटेन को वोट देंगे। लालटेन नहीं चलेगा, हाँ उनके साथ। देखिए मधेपुरा में थे और मधेपुरा के लोग थे, ये क्या कुछ कह रहे थे, दिनेश चंद्र यादव के बारे में क्या कह रहे थे, कुमार चंद्रदीप के बारे में क्या कह रहे थे, बाकी अधिकांश लोगों ने बात करा कि पप्पू यादव क्या फैक्टर, क्या चीज थे वो मधेपुरा के लिए, पूर्णिया में कैसे वो एक्स फैक्टर बने और लोगों के लिए क्या कुछ साबित होंगे। बाकी आप सुन रहे थे लोगों को, मधेपुरा के लोग थे ये और क्या कुछ बता रहे थे, किसकी तरफ जाएंगे। बाकी मधेपुरा के मुख्य बाजार में, मधेपुरा के गाँवों में जाकर भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।